अज़बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन। फर्स्ट ईयर से है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी हमने शुरू की है। इसको कहते हैं सेल प्रैक्शनेशन। हम सेल सेल को कहते हैं प्रैक्शनेशन, मीन टू डिवाइड द सेल एंड टू इट्स कंपोनेंट्स। सेल को इसके कंपोनेंट्स में तकसीम करना, यानी एक सेल है, एक सेल में वेरियस ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल में। इन ऑर्गेनिल्स को सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन या वी कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। असल में ये सेल फ्रैक्शनेशन हम सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए करवाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सो द प्राइस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज बाई यूजिंग सेंट्रीफ्यूज वी कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। एक ऐसा अमल है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूज के जरिए सब्सटेंसेस को इनकी डेंसिटी की बहस पे हम सेपरेट करते हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूज क्या है? सेंट्रीफ्यूज है एक अपरेटस है। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूज? सेंट्रीफ्यूज क्या है? सेंट्रीफ्यूज An apparatus that rotates at high speed and by centrifugal pods at separate substances. Centrifuge एक मशीन है जो हाई स्पीड से रोटेट करता है, रिवोल्यूशन करता है, और इस centrifugal pods इस पे, इस कंपोनेंट पे ये मशीन अप्लाई करता है centrifugal pods, और इस centrifugal pods के वजह से सेल के कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस डेंसिटी के बिना पे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जुदा होते हैं। इस मशीन को हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, और इस मशीन पे जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी ये सेंट्रीफ्यूज है, एक मशीन है, हम इसको बाद में समझाते हैं, ठीक है। मेथड क्या है सेल फ्रैक्शनेशन का? मेथड क्या है? यानी सेल से जब हम कंपोनेंट्स को जुदा जुदा करते हैं तो कोई मेथड तो होगी। इसमें हम पहले एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन हम थ्रो बायोप्सी भी कर सकते हैं। बायोप्सी मीन अ कलेक्शन ऑफ टिश्यू फॉर एग्जामिनेशन वी कॉल्ड बायोप्सी। हम बायोप्सी के जरिए किसी टिश्यू को लेते हैं, ब्लड को लिया, लंग्स के टिश्यू को लिया, लीवर को लिया, किसी भी टिश्यू का हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। आफ्टर एक्सट्रैक्शन हम होमोजेनेशन करते हैं। व्हाट इज मीन बाय होमोजेनेशन? फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनेट वी कॉल्ड होमोजेनेशन। रप्चरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू रिलीज इट्स कंटेंट वी कॉल्ड होमोजेनेशन। ये एक सेल है मेरे साथ, दिस इज अ सेल। इसमें है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ इसमें पाया जाता है। इस सेल से इन सारे कंपोनेंट्स को जुदा जुदा करना है, ठीक है। अब न्यूक्लियस को सेपरेट करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेपरेट करना है, राइबोसोम को सेपरेट करना है, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, हमने सेल फ्रैक्शनेशन करना है। पहले हमने सेल को आइसोलेट किया, एक्सट्रैक्ट किया, देन हम इस सेल को लेते हैं और इसको हम होमोजेनाइजर में डाल के इसके होमोजेनेट बनाते हैं। सो इस सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करना, दिस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोजेनेशन। What is homogeneity? It is a suspension of cell fragments and cell content. We call homogenization a suspension. है मिसाल के तौर पे, ये एक मिसाल के तौर पे एक कंटेनर है मेरे साथ, इसमें मैंने सेल डाल लिया, ठीक है। अब इन टिश्यू को मैंने होमोजेनेट करना है, इससे होमोजेनेट बनाना है, इसको हमें होमोजेनाइजेशन से इसको पास करना है। अभी देखो, होमोजेनेशन में हम सेल के मेम्ब्रेन को स्प्लिट करके इससे होमोजेनेट बनाते हैं। होमोजेनेट सस्पेंशन है सेल फ्रैगमेंट के और सेल कंटेंट के। इस प्रोसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं होमोजेनाइजर, एक मशीन है जिसमें हमने एक मेटल ट्यूब आप ले ले, ठीक है। एक मेटल ट्यूब है मिसाल के तौर पे, मेटल ट्यूब है, इसके अंदर हमने टिशू ली, दिस इज टिशू। मिसाल के तौर पे हमने इसमें टिश्यू ली, हम इसको अभी मैकेनिकल ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करना है अभी, ठीक हो। सो ये है प्लंजर, इस प्लंजर को हम लेके हम इसका मैकेनिकल ग्राइंडिंग करते हैं। मैकेनिकल, अगर आपको ये लफ्ज मुश्किल लग रहा हो तो ये फिजिकल आप ले ले, फिजिकल ग्राइंडिंग। यहाँ पे हमारे साथ होगी लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम के अलावा हमारे साथ प्रॉपर पीएच होगा और प्रॉपर आस्मोटिक प्रेशर भी होगा,
ताकि सेल को कोई पानी अंदर या बाहर नहीं जा सके। ठीक है, सो एक मेटल ट्यूब लिया, इसमें हमने एक प्लंजर लिया, इस प्लंजर के जरिए हमने फिजिकल ग्राइंडिंग की इसमें। सो फिजिकली हमने इस टिश्यू को ग्राइंड किया और इससे बनाया होमोजेनेट। ठीक है, अब इस होमोजेनेट को लेके हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ये जो होमोजेनेट बना है एक सस्पेंशन है जिसमें सेल के टुकड़े प्रेजेंट है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकांड्रिया है, सब कुछ है। हमने इस होमोजेनेट को इस ट्यूब में डाल दिया। दिस होमोजेनेट इज नाउ प्रेजेंट इन दिस ट्यूब। इस ट्यूब को हमने रखा सेंट्रीप्यूज में। पुट दिस ट्यूब एंड अ सेंट्रीप्यूज। अभी पहला स्टेप हो गया एक्सट्रैक्शन, दूसरा होमोजेनेशन। जब हमने होमोजेनेट तैयार किया, सो पुअर डालो इस होमोजेनेट को किस में, एक टेस्ट ट्यूब में डालो, एंड देन पुट दिस ट्यूब इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन। हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन में इस ट्यूब को रख दिया। फर्स्ट क्या किया हमने, स्पन एट लो स्पीड, हमने लो स्पीड से क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। सो लो स्पीड से हायर डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल या लार्जर मॉलिक्यूल्स को हमने सेपरेट किया। ठीक है, जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की तो जो लार्ज मॉलिक्यूल थी वो हो सेंटर में सेटलमेंट हो गई इसकी। जो मॉलिक्यूल सेंटर में सेट हो गए, बेस में सेट हो गए, हम इसको कहते हैं पैलेट। व्हाट इज पैलेट? पैलेट आर ऑल दोज मॉलिक्यूल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर सेटल इन द ट्यूब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, वी कॉल पैलेट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल अभी भी ऊपर है, सस्पेंशन में है, इसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट, सो सुपरनेटेंट आर ऑल दोज मॉलिक्यूल दैट आर नॉट सेटल डाउन एट द बेस आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, वी कॉल द सुपरनेटेंट। सो जो पैलेट हो गई, हमने इसको स्ट्रेक किया। पहले लार्जर मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस को सेपरेट किया हमने, न्यूक्लियस लार्जर है, इट इज सेपरेटेड। जो पैलेट है, हमने पैलेट को सेपरेट किया। बाकी जो ये कितनी ये हमने 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की और हमने इस पे अप्लाई किया 800 G। व्हाट इज मीन बाय दिस जी? दिस जी इज आल्सो कॉल्ड, जी को हम कहते हैं रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल पोर्ट्स में, हम इसको कहते हैं रिलेटिव सेंट्रीप्यूगल पोर्ट्स, RCF। इस जी का क्या मतलब है? इस जी का आसान मतलब क्या है? दिस जी मीन ये एक पोर्स है, दैट इज द पोर्स दैट इज अप्लाइड एक्सर्टेड ऑन द रोटर कॉन्टेंट। ये रोटर कॉन्टेंट है, ये रोटर कॉन्टेंट पे जब भी कोई पोर्स अप्लाई होता है सेंट्रीप्यूज का, इसको हम कहते हैं रिलेटिव सेंट्रीप्यूगल पोर्स या हम इसको कहते हैं जी। ठीक है, सो जी हमने लिया 800 10 मिनट के लिए। तो हमने यहाँ पे पैलेट पाया न्यूक्लियस, इसे क्यों ज़्यादा रखो, 10 मिनट के लिए 800 जी पे। अभी इस ट्यूब को अगेन रख दिया सेंट्रीफ्यूज में और फिर स्पन किया, स्पन एट रिलेटिवली हाई स्पीड। अब हमने इस पे स्पीड हाई किया, इस स्पीड को हम लेते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट RPM। RPM मीन्स रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में ये सेंट्रीफ्यूज कितने बार इस चीज़ को स्पन करता है। मिसाल के तौर पे 500 RPM, 1000 RPM, 1500 RPM, 21000 RPM, ये हो सकता है। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें हमने ट्यूब भी डाल ली है, ट्यूब भी हमने डाल दी है। हमने इस पर 500 RPM स्पीड पेक्स किया, हमने इसको रन किया, तो ये एक मिनट में 500 रिवोल्यूशन करेगा, इसका मतलब है RPM। ठीक है, अभी देखो, जब हमने इस पैलेट को सेपरेट किया, यानी फर्स्ट हमने लो स्पीड दिया, लार्जर मॉलिक्यूल सेपरेट हुई, देन हम स्पीड को थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा RPM को बढ़ाते हैं, तो इससे हमें इंटरमीडिएट साइज मॉलिक्यूल मिलेगी, जस्ट लाइक माइटोकांड्रिया
और अगर प्लांट सेल हो तो क्लोरोप्लास्ट भी मिल सकता है। ठीक है, अभी पैलेट क्या है? यहां पे अभी पैलेट है माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पैलेट है। अभी भी सुपरनेटेंट बाकी है, सुपरनेटेंट अभी भी बाकी है। इसको हमने एक और ट्यूब में शेप्ड किया, इस सुपरनेटेंट को फिर स्पन किया। इसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। हाईएस्ट स्पीड पे हमने इसको स्पन किया, किसको? हाईएस्ट स्पीड पे हमने सेंट्रीप्यूज को स्पन कर दिया, इसको घुमा दिया। सो इससे हमें स्मॉलेस्ट जो कंपोनेंट है वो सेपरेट होंगे, जस्ट लाइक राइबोसोम स्मॉलेस्ट है। ठीक है, सो इसके लिए हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, ठीक है, 150,000 जीपी थ्री आवर्स के लिए हम अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो हमें मिलती है राइबोसोम, राइबोसोम हमें मिलती है। ठीक है, सो सेंट्रीफ्यूगेशन में पहला प्रोसेस था एक्सट्रैक्शन, फिर होमोजेनेशन और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हम सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं तो हम पहले इसको लो स्पीड से रन करते हैं, स्पन करते हैं। इस लो स्पीड से हमें मिलता है बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल, फिर हम इंटरमीडिएट स्पीड से, इससे हमें मिलते हैं लो इंटरमीडिएट साइज़ के, पहले हमें लो स्पीड से रन करें, लो स्पीड से हमें मिलती है लार्जर मॉलिक्यूल, फिर इंटरमीडिएट या रिलेटिव हाइट स्पीड से हम इसको स्पन करते हैं तो मिलते हैं हमें इंटरमीडिएट साइज़ के मॉलिक्यूल, और फिर हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, हाईएस्ट स्पीड पे रोटेट करते हैं इसको, तो इससे हमें मिलते हैं इवन स्मॉलेस्ट साइज कंपोनेंट ऑफ द सेल भी हमें इससे मिल जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीफ्यूगेशन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।